ये हमने क्या खोला है अनिल, ये हमने अल्टो का ये गियर बॉक्स है और इसमें दिक्कत क्या आ रही थी अनिल? ये लीक कर रहा है यहाँ से ना, जॉइंटों से पूरा। ये जॉइंटों से यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि वैसे ये लीक कर रहा था। ये हमने जिसका खोला है वो गाड़ी ये खड़ी है जिसका हमने गियर बक्सा खोला है और इसमें अब काम करेंगे हम लोग। इसमें होगा क्या फिर अनिल? ये पूरा होगा। अच्छा, इसका इसे पूरा खोलना पड़ेगा, वापस से फिर से वैसे सील्ड करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें इसे पहले ये खोलना पड़ेगा प्रॉपर पूरा, फिर इसे जैसे ये सील्ड है ऐसे सील्ड करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर दोबारा से चिपकाना पड़ेगा। चेंज करने की ज़रूरत होती नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से मैकेनिक होते हैं कि अगर उसमें कहीं से लीकेज आ जाता है तो वो डायरेक्टली इसे चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने की इसकी ज़रूरत होती नहीं है। गियर की अगर, हाँ जैसे कि देख रहे हैं कि आपने, इन्होंने बताया कि अगर गियर की भी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसकी वजह से भी चेंज कर देते हैं, लेकिन इसे चेंज करवाने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि चेंज करवाने का खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। अगर आप कंपनी से चेंज करवाते हैं तो कंपनी से भी अगर चेंज करवाते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है इसका? 25-30 हज़ार रुपये। और आप इसे कितने में करके दे रहे हो? आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है कि 8-9 हज़ार रुपये में आपका यही गियर बक्सा दोबारा से प्रॉपर काम करने लग जाएगा, और आप अगर कंपनी से चेंज करवाते हो तो इसी में 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो जहाँ पर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये गाड़ी है जिसका हमने गियर बक्सा उतारा है, ये आप देख सकते हो, ये 2007 मॉडल गाड़ी है अल्टो। और ये जो काम हो रहा है फरीदाबाद में विष्णु मोटर है सेक्टर 29 के हुड्डा मार्केट में, इनके पास सभी गाड़ियों का काम होता है। भैया सभी गाड़ियों का काम करते हो आप? सर्विस, सारी गाड़ियों की सर्विस ही लोग कर देते हैं, मैकेनिकल कोई भी काम हो, वॉशिंग सेंटर भी है इनका, और सबसे रिजनेबल प्राइस में ये काम करते हैं यहाँ पर, और प्रॉपर कस्टमर की सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें चेक करके देंगे आपको, प्रॉपर उस चीज़ को पहले खुद टेस्ट करेंगे फिर कस्टमर को चेक करवाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर काम होता है। अभी जब ये गियर बक्सा हम लोग बांधेंगे फिर मैं वो आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि ये गियर बक्सा कैसे बांधते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, ये जो खोल रहे हो आप, ये जो आप खोल रहे हो इसे क्या बोलते हैं? ये भी टापा खोल रहे हैं, ये हमारे भैया अनिल, ये इसका काम करेंगे गाड़ी का पूरा। पर भी ये कितनी देर का काम होता है ये? अगर हमारे गियर बक्से में कोई दिक्कत आ रही है, गियर में कोई दिक्कत आ रही है, तो कितनी देर का काम होता है? गियर के कलेक्ट का तो 3-4 घंटे का काम होता है, 3 घंटे का। ओके, गियर बक्सा इसका पूरा दिन लग जाता है। मतलब एक दिन के लिए आप गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, आप प्रॉपर ओके करके दे दोगे। और भी सारे काम करते हैं ये अल्टो का, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको गियर बक्से में कितना खर्चा आएगा और इसमें काम क्या क्या हुआ, प्रॉपर मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊँगा कि क्या क्या काम हुआ इस गाड़ी में। गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो कस्टमर इसमें पैसे लगा रहे हैं, अभी 1 साल वैलिड है ये गाड़ी। तो मैं यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, किसी को भी अपनी गाड़ी से मैकेनिकल रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो तो वो यहाँ से करवा सकते हैं इनसे। देखिए ये खोला है इन्होंने, ये किस हिसाब की कंडीशन है, कितना ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, इसमें जो ऑयल जल जल के ये इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। साइड में से आप देख सकते हो यहाँ पर पैकिंग लगी होती है, पैकिंग के ऊपर से वो कवर लगा होता है इसका। गाइस ये देख सकते हो इस तरीके से क्लीनिंग हो रही है इसकी पेट्रोल से, आपने कल की फोटो में देखा था कि कैसा था ये, आज ये क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है। क्लीन होने के बाद हम इसे करेंगे कंप्लीट पैक, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या है। आपने इसकी पहले हालत देखी थी, अब क्लीन होने के बाद आप ये देख सकते हो इसकी, ये पूरा प्रॉपर अंदर से पेट्रोल से क्लीन किया गया है, पहले डीजल से देन फिर पेट्रोल से, इसे भी आप देख सकते हो, ये है इसकी कंडीशन। अब इसका जो अंदर का सामान है ये क्लीन किया जाएगा और फिर इसे फिट किया जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा अनिल जी इसे फिट करने में? लगेगा कम से कम 1 घंटा। जो मेन टाइम लगता है वो क्लीनिंग में ही होता है, अब उसके बाद वो फिटिंग में 1 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर असेंबल कर देंगे और उसके बाद देन इसे गाड़ी में फिट करेंगे। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको
पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे फिट कर रहे हैं और क्या क्या काम हुआ इसमें। ये कुछ इस तरह फिटिंग की है इन लोगों ने। इसका ऊपर का कैप जो है वो लगेगा, कैप लगाने के बाद फिर ये गाड़ी में फिट होगा। देख सकते हो अभी जैसे कि इस गाड़ी का है, ये हमने जो गियर बक्सा खोला था ये हम कर रहे हैं फिट। ये देख सकते हैं आप कितना नीट एंड क्लीन है। इस गाड़ी का हमने गियर बक्सा फिट कर दिया है। कुछ ये कंडीशन है गियर बक्से की, अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं ये देख सकते हैं। ये फिट होने के बाद कितना खर्चा आया गाड़ी में और अब कैसी चल रही है, ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये अल्टो का गियर बक्से का काम हुआ और अप्रोक्स इसमें आप डिफरेंस लगा सकते हैं 10,000 से 15,000 रुपये का कंपनी में, और यहाँ आफ्टर मार्केट करवाने में आपको कम पड़ा। वहाँ पर आप अगर इसी चीज़ को करवाने जाते हो तो आपको जैसे कि बताया था कि 20,000 से 25,000 रुपये, और यहाँ पर आप करवा रहे हैं तो आपको पड़ेगा 7,000 से 8,000 रुपये या मैक्सिमम 9,000 रुपये। तो ये डिफरेंस है, बाकी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अंदर का जो पार्ट होते हैं, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो कंपनी वाला क्या है कि ऊपर वाले पार्ट की हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है जब, तो हम क्यों चेंज करवाएँ। तो ये लोग क्या है कि ये क्या करते हैं कि उस सिर्फ पर्टिकुलर उस पार्ट को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, गियर में प्रॉब्लम आ रही है या बाकी किसी चीज़ का भी आप काम करवाते हैं, तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करते हैं। लेकिन एजेंसी और कंपनी क्या करती है कि वो आपके पूरे उस सपोज आपके गियर बक्से में दिक्कत आ रही है तो अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूरा गियर बक्सा चेंज कर देंगे। अगर आपके आपका रेटर भी ही आप सपोज आपका रेटर ले लें, जैसे कि मैंने रेटर के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अब अगर आप यही लेके जाते तो वो कहते हैं ये बहुत डर्टी है, इसे आप हटा दो और दूसरा नया लगा लो। तो यही काम मेरा वहाँ पर 250 में हुआ था और यही काम आपका वहाँ पर 1700 से 1800 रुपये में होगा। तो 250 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर कोई छोटी कार अफोर्ड कर रहा है तो उसे नॉर्मल खर्चे में अगर काम हो जाए उसका तो उसके लिए तो बेटर है। तो आप इस दुकान से काम करवा सकते हैं। ये इसका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं। ये है फरीदाबाद सेक्टर 29 में, हुड्डा मार्केट में, विष्णु मोटर के नाम से इनकी शॉप है। और यहाँ पर जो भैया काम करते हैं वो है अनिल, वो आपका काम करके देंगे आपका गाड़ी का पूरा। और ये सारे मैकेनिकल वर्क करते हैं। यहाँ पर आपका वॉशिंग सेंटर भी है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, और वो चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे जो प्रॉपर हाँ चेंज करने लायक है। ये नहीं कि आप आए और आपने गाड़ी दी, उन्होंने कहा नहीं ये भी चेंज करवा दो, ये भी चेंज करवा दो, एडिशनल खर्चे जोड़ दिए। क्योंकि इनसे मैं पिछले 7-8 साल से सर्विस करवा रहा हूँ और बाकी भी गाड़ी के काम यही होते हैं, तो जो चीज़ ज़रूरत है, नीड है, वो ये लोग उसी चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें गाइस। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।